हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लिमिट्स चैप्टर के 2017 के और 2018 के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और शुरू करते हैं 2017 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2017 के पेपर का। एक्स को जब मैं जीरो पुट करता हूँ तो आप चेक करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है। मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और अपॉन में है एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x। और थोड़ा सा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब जब इसमें दोबारा लिमिट एक्स टेंस टू मैं 0 पुट करूँगा तो ये फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। मैं एक बार इसका फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। अब अपनी लिमिट हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे और अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। तो यह था 2017 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन जिसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा, 1/2। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि 2017 के फर्स्ट पेपर का ही सेकंड क्वेश्चन है। जैसे ही एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर जो बना ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है। मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स। एफ ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये मेरे पास बन गया एफ डैश एक्स बन गया। तो लिमिट हमारी जा रही है एक्स टेंड्स टू 1। अब एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे और एफ डैश 1 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब एफ डैश 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, हमारे पास एफ एक्स पता है अंडर रूट में 9 - x² है। मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ एफ डैश एक्स, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√(9 − x²) और अंडर रूट में 9 − x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2x। अब हमें एफ डैश 1 चाहिए तो आप एक्स की जगह पर 1 पुट कर दें, और एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस का 1/2√2। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी थी, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था। ये था 2017 के फर्स्ट पेपर का दूसरा क्वेश्चन। और अब चलते हैं 2017 के ही फर्स्ट पेपर के तीसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है दो फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उन फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, इसी तरीके से कोई और फंक्शन सॉरी एक्स टेंड्स टू 0, इसी तरीके से कोई और फंक्शन ले लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यहाँ लिख लिया x² - 4/(x - 2). इसको आपको पता है, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर 4 आता है। तो अगर यही दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते, सॉरी एक सेकंड, इसकी लिमिट उसने बोला सेम रखनी है, लिमिट सेम रखनी है, तो मैं ये फंक्शन नहीं ले सकता। दोनों की लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए है, तो मैंने चलो सेम लिमिट वाला एक्स टेंस टू 0 ले लिया 10x/x। आपको पता है इसका आंसर भी 1 होता है। तो अगर मैं दोनों फंक्शन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके दे देता साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स इंटू में 10x, साइन एक्स इंटू में 10x, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके दे देता साइन एक्स इंटू 10x और आगे बोलता लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 हो जाता, 10x/x 1 हो जाता, मैं इसको 1 कह सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर दो अलग अलग फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनको मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन बनेगा उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है? लिमिट एक्स टेंस टू 0, कोई भी मैंने एक आसान सा फंक्शन ले लिया, कोई कॉन्स्टेंट ही बोल दिया, जैसे सिर्फ मैंने लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पर लिख दिया x+2 लिख दिया सिर्फ,
और एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा टू आएगा। अब ये किन दो फंक्शन के मल्टीप्लाई से बना है, अगर मैं ये चीज़ आपको चेक करवाऊँ तो आप देखेंगे कि इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखो इस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, आप एक्स को जीरो पुट करेंगे जीरो आएगा, लेकिन इधर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन बना है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर दो फंक्शन के मल्टीप्लाई की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते। यहाँ पर एक फंक्शन की तो आपने देखा इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जीरो पर, लेकिन इसकी नहीं कर रही, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। और इसका और भी आसान अगर आपने एग्जाम्पल लेना हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन, एक एक्स ले लेता हूँ एक वन बाय एक्स ले लेता हूँ, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इनकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, लेकिन जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको वन बना लूँगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई करने पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है लेकिन उन फंक्शन की अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली वन, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये था 2017 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं 2017 के सेकंड पेपर के पहले क्वेश्चन की ओर। एक्स की जगह पाई बाय टू रखा, साइन पाई बाय टू, ऊपर वन बन गया नीचे पाई बाय टू आ गया। ये वैल्यू किसकी है, डायरेक्ट एल की है, मैंने सीधे लिमिट पुट करी मेरा आंसर आ गया, तो एल की वैल्यू आ गई टू बाय पाई, टू बाय पाई। एक्स की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे तो कोस के अंदर जो मर्जी पुट कर दो, इन्फाइनाइट ही क्यों ना पुट करो, ऊपर जो भी वैल्यू आएगी माइनस वन से लेकर वन के बीच की कोई वैल्यू आएगी, लेकिन उसके अपॉन में इन्फाइनाइट पड़ा है तो इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है कि एल की वैल्यू जो है वो टू बाय पाई है लेकिन जो एम की वैल्यू है वो जीरो रहेगी, ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन था। अब मेरे पास है 2018 के फर्स्ट पेपर के ये फिलहाल दो क्वेश्चन। एच को जैसे ही जीरो रखा जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, तो दो आपको अंडर रूट दिखाई दे रहे हैं और आप इसको डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हो और आप सॉरी एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इस बात का ख्याल रखना एक्स आपने कांस्टेंट की तरह रखना है, लेकिन अगर इस तरीके से रैशनलाइज करना चाहते हो तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इस पूरे को रैशनलाइज करवाना है, 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x अपॉन 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x और अपॉन में पड़ा है 2h, मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर आप जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो ऊपर देखेंगे कि ऊपर सिर्फ और सिर्फ h वाली टर्म बचेगी, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इस h से h भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसने बोला h को जीरो पुट कर दो तो h की जगह पर जीरो रख दो, तो ऊपर आपके पास बनेगा सिर्फ थ्री, नीचे आपके पास ये टू पड़ा है, ये बनेगा रूट टू एक्स और ये भी रूट टू एक्स, तो रूट के अंदर टू एक्स है प्लस रूट के अंदर टू एक्स है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर टू एक्स और टू बाहर पड़ा है, कुछ ऐसा आ जाएगा थ्री बाय फोर ऑफ रूट टू एक्स अपॉन में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। पहला क्वेश्चन हमने रैशनलाइजेशन से किया, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट आपको दिखाई दे रही है, टेन एक्स अपॉन में साइन टू एक्स है, मैंने एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे टेन एक्स अपॉन एक्स ये वन होता है और उसके बाद साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स ये भी वन होता है, तो इसने मिलकर वन बना लिया, इसने भी मिलकर वन बना लिया, पीछे वन बाय टू बच गया और वन बाय टू आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह था 2018 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं 2018 के सेकंड पेपर के क्वेश्चनों की ओर, यह पहला और ये दूसरा क्वेश्चन। ऊपर अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं इसका
तो आप देखेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 sin² x प्लस 2 sin x माइनस साइन एक्स, ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। नीचे बनेगा 2 sin² x माइनस 2 sin x माइनस साइन एक्स प्लस 1, और ऊपर वाले के जब आप 2 sin x कॉमन लोगे और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 sin x कॉमन लोगे, माइनस 1 भी को बाद में कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा साइन एक्स माइनस 1, और लिमिट x टेंस टू आपकी पाई बाय 6 है तो ये जो पाई बाय 6 रखने पर 0 बना रहा था ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसमें x की जगह पाई बाय 6 रख दो तो कुछ ऐसा आएगा, तो ये बनेगा 3 अपॉन में माइनस 1 जो कि अपना आंसर माइनस का 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था 2018 के सेकंड पेपर का मेरे पास पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 sin² θ/2, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2, और इस पूरे का पड़ा है हमारे पास अंडर रूट और अपॉन में है थीटा। अब इसको मैं लिख सकता हूं √2 × sin θ/2 और अपॉन में थीटा पड़ा है। स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये 1 बन जाए, और जब ये 1 बनेगा तो मेरा आंसर आएगा 1/√2, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन ये सी ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आना था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो हमारे पास इस क्वेश्चन में था नहीं इसलिए अपने इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन टिक कर दिया। अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आएगी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब स्क्वेयर का आपने यहाँ पर रूट किया तो यहाँ साइन थीटा बाय टू की बजाय इसका मोड आना था, क्योंकि कभी भी स्क्वेयर का रूट करते तो मोडलस आता है, तो यहाँ आप करेंगे तो यहाँ मोड आना चाहिए था, और जब मोड का क्वेश्चन आता है तो हम राइट हैंड लिमिट अलग निकाला करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकाला करते हैं। तो जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे मोड के अंदर वाले को पॉजिटिव मानकर तो आपका आंसर बनेगा 1/√2, और जब इस मोड वाले की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तब आपका आंसर बनेगा माइनस का 1/√2। तो इसलिए आपने आंसर जो बताना है वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बताना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में था नहीं इसलिए अपने को इस क्वेश्चन में सी को टिक कर देंगे अपने। तो ये था 2018 के सेकंड पेपर का सेकंड क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 2018 के सेकंड पेपर के तीसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे ही एक्स को 1 पुट किया तो ऊपर बना f(1 − f(1) अपॉन में 1 − 1, 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया f'x माइनस इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, एक्स की जगह जैसी 1 पुट करेंगे मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा f'1। अब f'1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके पास गया और इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो f'x की वैल्यू आएगी 1/√2 के अंदर 25 − x² और अंडर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस का 2x आएगा, और जैसे ही एक्स की जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूँ क्योंकि मुझे f'1 चाहिए, x की जगह जैसी 1 पुट किया तो मेरे पास बनेगा −1/√24 जो कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये थे 2018 के सेकंड पेपर के सभी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू सभी को, जय हिंद।